पूरे महाराष्ट्र में और देश में लगभग 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व करने वाली सड़क कामगार यूनियन और इस यूनियन के मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सभी साथी आज यहाँ पर एक भव्य कामगार मेलावा का आयोजन किया था, एक भव्य विश्व कामगार मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आणि या ठिकाणी कायमच सकारात्मक दृष्टिकोनाने आपल्या कामगारांच्या हितासाठी कामगारों के हित में लढने वाली एक आक्रमक कामगार युनियन है और हमेशा ही माननीय नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री और अभी के विद्यमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से हमेशा ही हमारी यूनियन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरे देश भर में 7 लाख से अधिक कामगारों का नेतृत्व कर रही है। ये विभाग और इस विभाग के लगभग 4000 से अधिक लोगों का यहाँ पर आज कामगार मेलावा का आयोजन किया था और इस कामगार मेलावा में हमारे सभी यूनिट के लोग यहाँ पर आए थे। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। यहाँ के लोकप्रिय हमारे इस देश के मंत्री सन्माननीय पीयूष गोयल जी थे, हमारे अर्थ फाइनेंस राज्य मंत्री फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर भागवत कराड़ जी यहाँ पर आए थे, यहाँ के विद्यमान MLA सन्माननीय योगेश सागर जी थे, मेरा एक्स हमारे विद्यमान खासदार गोपाल शेट्टी जी थे, विनोद शेलार जी थे, कमलेश यादव जी थे और मुंबई के सभी बड़े गणमाननीय व्यक्ति। बट मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरी ताकत, मेरे वर्कर्स, मेरे पदाधिकारी, मेरे साथी, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे उप वाइस प्रेसिडेंट नारायण पनिकर जी, हमारी काकुली जी, हमारी सायरा सत्तानी जी, मेरे साथ जुड़े हुए कुणाल यादव जी, आरिफ मलिक जी, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारा मोहसिन, हमारे सभी लोग। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता मगर जितने लोग यहाँ पर है, मैं एक व्यक्ति हूँ मगर मेरे साथ पूरी इंस्टीट्यूशन है, मैं आवाज हूँ मगर ये सब मेरी ताकत है और ये ताकत माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे खंबीर तौर पर है। मैं पूरे ताकत से मैं नरेंद्र मोदी जी को पूरे सड़क कामगार यूनियन महासंघ की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से उनको पूरे ताकत से हम पूरे तरीके का समर्थन देते हैं और निश्चित तौर पर हमारे देश के सभी वर्कर्स को मैं अपील करूंगा पूरे ताकत से नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुख्य परिषद के सदस्य कम होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या निवेदन करें? ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सड़क कामगार यूनियन महासंघ का मंच है। इस पर मैं कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा। हमारे कामगारों के हित में जो लड़ाई लड़ेगा उसके साथ में हमारे कामगार पूरी तरीके से उनके पीछे खड़े रहेंगे। मोर्चा के माध्यम से जो हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई है, हमारे घरेलू कामगार है, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर एक 5 घंटे का वार्तालाप हुआ और इस वार्तालाप में मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। मैंने आप सबकी जो समस्या है वो समझ ली। वैसे मैं इन सारे समस्याओं पर बहुत दिनों से काम करता हूँ। हमारे इस बार के उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर आए, उनको भी सारी बातें हम लोगों ने बता दी और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो छोटे लोग हैं, जो कष्टकारी है, जो कामगार है, उनके समस्याओं पर और अच्छी तरह से काम हो, इस प्रकार का एक प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे और मैं मानता हूँ कि सारे कामगारों का जो प्रश्न है वो आने वाले दिनों में हल हो। इसलिए पीयूष गोयल जी के साथ में मैं और अभिजीत राणे और उनकी जो पूरी टीम है, हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे। अब ऐसा है कि आचार संहिता का समय समाप्त हो गया है, इसलिए हम चुनाव के बारे में और रोड के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, तो बाद में हम लोग बातचीत करेंगे।